नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास के अंदर। किसान भाइयों, आज बात करेंगे टमाटर को जल्दी साइज बढ़ाने के लिए और उसको पकाने के लिए हम कौन से न्यूट्रिएंट्स चलाएं, कौन से खाद चलाएं या कौन सा स्प्रे करें जिससे हमारे टमाटर की फसल हमें जल्दी से जल्दी मिल सके, टमाटर का जल्दी से साइज बढ़े और जल्दी से उसमें जल्दी से उसका पक जाए वो जल्दी से। तो जो मार्केट में रेट अभी चल रहा है वो करीब 80-90 या 100 के लगभग चल रहा है, और उस स्थिति में जो टमाटर की किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारा टमाटर जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो इसके लिए हम स्प्रे करेंगे, खाद शेड्यूल जो चलाएंगे उसके लिए आपको 0-52-34 का स्प्रे करना है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो इसका ड्रिप में चलाएं आप, इसके लिए 2 kg एक एकड़ में 0-52-34। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से आप इसको दें 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में। आपको एक दिन चलाना है इसके लिए, फिर इसके बाद दूसरा दिन आपको चलाना है 0-0-50, जो 2 kg चलाना है एक एकड़ में, और तीसरे दिन आपको चलाना है 13-0-45, जो 2 kg चलाना है एक एकड़ में। यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको 150 ग्राम एक 20 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, ये तीन खाद आपको चलाना है कंटिन्यू एक दिन के अंतराल से। इसके बाद आपको 2 kg देना है इसमें मैग्नीशियम और 2 kg चलाना है कैल्शियम। तो किसान भाइयों, ये जो शेड्यूल है वो आपको 15 दिन तक आपको कंटिन्यू चलाना है। कब चलाना है? जब आपके पौधे में फल लगे हुए हैं और उनका साइज नहीं बढ़ रहा है तो तब हमें इसको चलाना है। ये कंटिन्यू 15 से 20 दिन आप इसको रखें क्रम वाइज, एक दिन 0-52-34, उसके बाद 0-0-50, फिर उसके बाद 13-0-45, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, क्रम वाइज इसको बढ़ाते जाएं आगे 20 दिन तक। तो बीच में क्या होगा, आप 12 से 13 दिन में 15 दिन में आपका फल साइज डबल हो जाएगा और पककर तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी टमाटर की साइज बढ़ाने के लिए और पकाने के लिए। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।